नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दुनिया के नक्शे पर मौजूद भारत विविधताओं का देश है, जहां विभिन्न जाति, मजहब, खान पान, पहनावा, रीति रिवाजों और संस्कृति का अनूठा संगम मिलता है। वैज्ञानिकों से लेकर दार्शनिक, आम आदमी से लेकर नामचीन हस्तियां हमेशा से हिंदू धर्म के विचारों से प्रभावित रही है। तभी तो आज की तारीख में भारत और हिंदू धर्म की ओर विदेशियों का रुझान बढ़ता ही जा रहा है। अब देखिए ना, कितने ही लोग स्वयं की तलाश में भारत आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हिंदू धर्म के प्रचार में शिद्दत से जुट जाते हैं। और इन्हीं में से एक है जॉनस मसेटी, जिन्हें लोग विश्वनाथ के नाम से पुकारते हैं। जॉनस मसेटी ने खुद को हिंदू धर्म से इस प्रकार जोड़ा कि आज ये ब्राजील में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किस प्रकार जॉनस मसेटी भारतीय वेदांताओं को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं, किस प्रकार उनके नेतृत्व में सैकड़ों छात्र भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, किस प्रकार जॉनस मसेटी टेक्नोलॉजी के सहारे हिंदू विचारों की दीक्षा दे रहे हैं, ये सब पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बताया। जी हाँ, पीएम मोदी कहते हैं, लोग भारत स्वयं की तलाश में आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, लेकिन कुछ भारत के सांस्कृतिक दूत बनकर वापस लौट जाते हैं। जॉनस मसेटी, जिन्हें विश्वनाथ भी कहते हैं, के काम के बारे में पता चला। जॉनस मसेटी ने वेदांत और गीता पर ब्राजील में ज्ञान दिया। वो विश्वविद्या नाम का संगठन चला रहे हैं जो पेट्रोपोलिस की पहाड़ियों में स्थित है और रियो डी जेनेरो से कुछ ही दूर दूर है। इस संस्था में सैकड़ों छात्र आते हैं और भारत के प्राचीन और पवित्र माने जाने वाले ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। वैसे आपको बता दें कि जॉनस मसेटी स्टॉक मार्केट कंपनी चला चुके हैं और अभी भी चला रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म से जुड़े संदेशों को आगे पहुंचाने के लिए वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और उनकी यही खूबी पीएम मोदी को सबसे ज्यादा भाती है। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि भला विदेशी युवक जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, वो भला कैसे भारतीय संस्कृति से जुड़ा और अब पूरी दुनिया यानी कि ब्राजील समेत पूरे संसार में हिंदू विचारों की शिक्षा दे रहा है, तो इसके पीछे छुपी है जॉनस मसेटी की सोच। जी हाँ, असल में मसेटी हमेशा से ये सोचते थे कि परिवार, प्रेमिका, दौलत और सफलता के बावजूद पूर्णता और संतुष्टि क्यों नहीं है, और इसी सोच के साथ अपनी दुविधा मिटाने के लिए वो भारत आए। स्वामी दयानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में उन्होंने वेदांता की शिक्षा ली। जब वो भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और शास्त्रों से जुड़ी, तो उन्होंने इसके प्रचार के लिए पॉडकास्ट, यूट्यूब जैसे कई जरियों का सहारा लेने का फैसला किया, और पिछले 7 सालों में 1.5 लाख से भी ज्यादा छात्रों को वेदांत और गीता की शिक्षा दे चुके हैं। तो ब्राजील में रहते हुए जॉनस मसेटी जिस प्रकार अपनी कोशिशों से पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की जड़ें मजबूत कर रहे हैं, उसके लिए पीएम मोदी ने ना सिर्फ उनका धन्यवाद किया बल्कि अपनी शुभकामनाएं भी दी।